हाय गाइस, तो हमने सोचा कि आज मकर संक्रांति है तो चलो फिर ना मंदिरों के दर्शन कर लिए जाए। मुझे सर्दी हो रखी है, आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ से। सो गाइस, वेदव्यास टेम्पल के बाद हमने विजिट किया खाटू श्याम बाबा के इस टेम्पल में, जो कि अभी शायद मैंने सुना कि ये न्यूली ही बना है, बट ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वैसे तो मुझे राउरकेला के सारे ही मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उसमें से ये भी एक मंदिर था जो कि बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पर प्रसाद वितरण भी हो रहा था, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था इसलिए आपको पूरी सब्जी और साथ में तिल के लड्डू मिल रहे थे प्रसाद में। और यहाँ पर भगवान जी लोग को ना पतंग भी चढ़ाया गया था। वैसे तो यहाँ पे सारी भगवान की मूर्तियाँ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सबसे जो ये मेन मंदिर है वो खाटू श्याम बाबा का है। और बहुत अच्छी यहाँ पर अरेंजमेंट करी हुई है, आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा सुंदरता, यू नो, ग्रीनरी है, गमले लगाए गए हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड में ही हनुमान वाटिका टेम्पल है, तो वहाँ पे बहुत सारे यू नो फ्लावर्स वगैरह हैं, तो वो आप जब इसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो वो आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा अंदर से इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत किया गया है, और इस तरीके से कारपेट बिछाए हुए थे जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करा रहे थे। तो यहाँ पर जब भी जो भी लोग दर्शन करने आते हैं वो कुछ देर यहाँ ज़रूर बैठते हैं। और यहाँ पर भगवान जी को पतंग चढ़ाया गया था, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, बिकॉज़ शायद मकर संक्रांति था इसलिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट के तीन भगवान की मूर्तियाँ हैं, बाकी अंदर साइड थी। और यहाँ प्रसाद में सबको आज तिल के लड्डू वितरण किए जा रहे थे। देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है, और मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो गाइस, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और साथ ही साथ यहाँ प्रसाद में हमें तिल के लड्डू देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, और साथ ही साथ पूरी सब्जी। तो हमने जस्ट प्रसाद ग्रहण किया है, और अब चलते हैं हनुमान वाटिका, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है।
वहाँ पर भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, व्रत वगैरह की सबको। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर रबड़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी है। सो गाइस, खाटू श्याम बाबा टेम्पल के जस्ट पास में ही है हनुमान वाटिका, जो कि वहाँ राउरकेला का स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। और ये बहुत बड़े एरिया में है, एक्चुअली ये काफ़ी बड़े एरिया में है। मैंने फिर भी कोशिश करी है कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ के क्लब्स दिखा सकूँ। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में तो आपको इस तरीके की मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पर कि आपको भगवान की इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, धागा है, काला धागा है, और इस तरीके की चीज़ें मतलब मिल रही थी। एंड इसके अलावा फिर इधर आपको झूले वगैरह, राइड्स वगैरह भी बनाए गए थे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। और ये दिन के टाइम गए थे, पर यहाँ आपको धूप बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह हैं, और पेड़ वेड़ काफ़ी हैं यहाँ पर। यहाँ पर हनुमान जी की सबसे बड़ी स्टैचू है, काफ़ी बड़ी सी ये स्टैचू है। तो हम कोशिश कर रहे थे पिक्चर्स लेने की स्टैचू के पास, ताकि हम फुल स्टैचू कवर कर सकें। तो हमने भी वो ट्राई किया, और सब लोग वहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ना फोटोग्राफी भी करते हैं, तो फोटोग्राफर्स हर जगह अवेलेबल थे। चाहे मैं बात करूं वेदव्यास टेम्पल की, या फिर खाटू श्याम बाबा वाले टेम्पल की, या फिर यहाँ पर, तीनों ही जगह आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, जो कि हाय गाइस, सो दिस इज हनुमान वाटिका। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी स्टैचू है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं। सो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे भगवान की अलग अलग टेम्पल्स हैं, और ये कितने एरिया में है आई डोंट नो। मैंने भी पूरा विजिट नहीं करा, बिकॉज हमें और भी जगह जाना था इसलिए भी, और हमारी ट्रेन भी थी शाम की इसलिए भी। पर ये काफ़ी बड़े एरिया में है, तो हमने कोशिश करी कि हम मतलब जल्दी जल्दी करके सारे मंदिरों को देख लें। यहाँ बहुत सारे भगवान की स्टैचू थी, बहुत सारे भगवान के मंदिर थे अलग अलग। पर्टिकुलरली आपको वहाँ जा कर के, आप हर मंदिर की अलग अलग इंटीरियर है, हर मंदिर का अलग अलग लुक है, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ फोटोग्राफी करा सकते हो। यहाँ पर फ़ोटो लेना बिल्कुल अलाउ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मंदिर के अंदर आप नहीं ले सकते थे, बाहर से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सभी लोग फोटोग्राफी ही करा रहे थे, और बहुत से लोग तो यहाँ पर अपना आकर के शूट भी करा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो बहुत से लोग, जैसे कि आप ये देखो मैंने यहाँ कैप्चर किया है, तो ये लोग अपनी पर्सनल फोटोग्राफी भी यहाँ पर करा रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, आम के पेड़ थे, नीम के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, इमली के पेड़ थे। मुझे चलते चलते इमली भी दिखाई पड़ी, फिर हमने देखा तो यहाँ इमली के पेड़ थे, जिसपे कि बहुत सारी इमली लगी हुई थी। और इस तरीके से पर्टिकुलर हर भगवान का अलग अलग टेम्पल था, और मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ऐसे शॉर्ट में सारे ही मंदिरों के छोटे छोटे से क्लिप्स दिखा सकूँ। तो गाइस, ये देखो हमें मिला इमली का पेड़। रुको पहले, ये देखो इमली गिरी हुई है। बहुत बड़ा प्लेस है ये हनुमान वाटिका, सब लोग घूम रहे हैं, और पेड़ पौधे तो इतने ज्यादा हैं कि एकदम छाया सा है। और यहाँ इमली का पेड़ मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी इमली नीचे गिरी हुई है। एंड चलो अभी आगे हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ कुछ कुछ फोटोग्राफी करा सकते हैं, तो वहाँ फोटोग्राफी कराएंगे। एंड तो आप जब भी राउरकेला आएंगे ना, आपका कभी भी आना होगा, तो इस मंदिर तो आपको ज़रूर विजिट करना ही चाहिए, हनुमान वाटिका। और वैसे ही हनुमान वाटिका वहाँ का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही फेमस टेम्पल है, और यहाँ पर सुंदरकांड वगैरह का पाठ भी होता है। आप अपने नाम से करवा सकते हो, या अपनी फैमिली के नाम से भी करवा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। Thank you.
राउरकेला में नया ही एयरपोर्ट भी खुला है, जहाँ की पहली उड़ान भुवनेश्वर के लिए थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बना है, जहाँ की वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। तो सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द मेन सेल्फी पॉइंट, जहाँ की बहुत से लोग ज़रूर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। सो गाइज, इसके बाद हमने विजिट किया अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर मतलब लंच करने के लिए हम आए थे, बिकॉज इसके बाद इवनिंग में हमारी ट्रेन थी, तो पेट पूजा करना भी ज़रूरी था। बट क्योंकि हमारी टमी ऑलरेडी फुल थी, हमने जो प्रसाद ग्रहण किया था। बट हाँ, यहाँ पर पापा ने अपना लंच किया और मैंने और मम्मी ने, क्योंकि हमारी टमी फुल थी, तो हमने सूप ऑर्डर किया। और हमने किया मिक्स वेज एंड टमाटो सूप। और ये जो स्पेशल थाली इनके लंच की थी, उसमें इन्होंने ये कुछ दिया था, तो मैंने इसको टेस्ट किया कि ये क्या है। तो ये बैगन की पकौड़ी थी शायद, बैगन को बेसन में रोल करके समथिंग था कुछ, आई डोंट नो, बट मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। एंड तो उसके बाद हमने पापड़ भी खाए थोड़े बहुत, उसके बाद हमारा सूप आ गया, तो हमने अपना यम्मी डिलीशियस सूप एंजॉय करिया। सूप वॉज ओके ओके, बहुत टेस्टी भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, ठीक था। एंड आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज मैंने पूरे व्लॉग में आपको टेम्पल ही विजिट कराया है। बस राउरकेला में बेसिकली घूमने के लिए यही कुछ प्लेसेस हैं, और हनुमान वाटिका तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही बड़े एरिया में है। तो आप वहाँ विजिट करने चाहोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका काफ़ी टाइम वहीं पर चला जाएगा। सो हमने भी वही किया, एक्सप्लोर किया। इसके बाद हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, एंड इसके बाद इवनिंग में शाम को 4:30 बजे हमारी ट्रेन का टाइमिंग है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो चलो, आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।